यस हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसा चल मस्त। दोबारा से गया है फिर पर एक और नए वीडियो में। और मतलब ये वाला वीडियो में ये होता है ना कि हम लोग लास्ट जोन में, मतलब लास्ट जगह पे बीमा शक्ति में ऐसा जगह फंस जाते हैं जहाँ पे बुरा हाल हो जाता है। मतलब आप देखो क्या होता है। तो अभी जो है एक्चुअली कल आपको एक नया वीडियो मतलब मिल गया होगा इससे पहले वाला जो आप वीडियो देखे होंगे। तो एक्चुअली मेरा बहुत सारा वीडियो जो है वो मतलब करप्ट निकल गया है। एटलीस्ट हम 10 वीडियो बनाए, मतलब 11-12 बनाए, तो उसमें से 7-8 वीडियो जो है वो करप्ट निकल चुका है। तो अभी हमको 1 से 2 दिन के अंदर हमको मतलब एक ही दिन के अंदर हमको मतलब भाई बहुत सारा वीडियो शूट करना है। तो इसीलिए अभी जो है बोइया की वीडियो कम आएगी और एक आए मतलब बोइया मैं पूरा ट्राई करूँगा बट शायद बोइया की वीडियो कम आए तो उसके लिए सॉरी। और एक आध जो मैच है वो टॉप 20 तक भी आ सकता है, ऐसे हम पूरा ट्राई करें कि नहीं आए, बट अगर आ गया आ जाएगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग पूरा लूट वगैरह करते हैं, कोई बंदा नहीं रहता। फिर मैं यहाँ से भीमा शक्ति जाते, भीमा शक्ति पे स्क्वाड मेरा फाइट। तो यहाँ पे जाते हैं और सॉरी जो भी आवाज़ आएगा। और यहाँ पे देखो ये रहा ये बंदा, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे मेरा कोरोना वेस्ट होता है, लगेगा मतलब भाग जाता है, बट यहाँ पे हमारा टीममेट इसको मार देता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसका पूरा का पूरा एक स्क्वाड रहता है, ठीक है, जिसका 3 को बंदा को टीजी पहले से गिरा चुका होता है, और उसमें मतलब 2 को, और ये रहता है इसका 3रा बंदा, ठीक है। यहाँ पे 2 स्क्वाड रहते हैं, तो हम लोग अपने टीममेट को बुलाते हैं। तो उसके फिर हम लोग यहाँ पे क्लॉक टावर आ जाते हैं। क्लॉक टावर में क्या होता है कि ये हम लोग जैसे ही आते हैं उसे रेड जोन आता है, रेड जोन से हम फट के पहले ही मतलब नॉक हो जाते हैं। फिर मैं टीममेट आता है हमको रिवाइव देने के लिए, और उसके उसके जस्ट बैक टू बैक फिर स्क्वाड आते रहते हैं, एक बगल में रिवाइवल पॉइंट पर रहता है, एक सामने रहता है। तो इसी से हम लोग बच रहे थे यहाँ पे, तब टीजी आ जाता है पीछे से और वो फिर सारा रास्ता क्लियर कर देता है, 2 को एनिमी मार देता है। तो फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं और वॉच टावर के तरफ देखते हैं, ठीक है। हवे ये मेन घर, ये वाला जो दूसरा घर है क्लॉक टावर का, यहाँ से जागते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये देखो बस ऐसे स्कोप खोले और ये पकड़ा गया, और यहाँ पे हम भाई ये किल टीजी का चुरा लिए, और टीजी गुस्से मेरे ऊपर फ्रीजर ग्रेनेड डाल देता है। बोले भाई ये क्या किया तू, अरे तुम मेरा किल क्या चुरा लिया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे होता है, फिर हमारा एक पगला होती एक नंबर टीममेट जो रहता है वो फिर से नॉक हो जाता है, और फिर से हम लोग रिवाइव देते हैं। तो रिवाइव देते हैं ना, तो आते हैं तो यहाँ पे हमको पीछे से टीममेट मारता है, मतलब एनिमी मारता है, तो वो उसको लोग टीजी मारने के लिए जाता है जो मार देता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पे पीछे से 2 बंदे और मतलब एक डुओ आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि भाई जोन में पहले चलते, क्योंकि जोन देखो यहाँ से कहीं और बनता है, तो बोले भाई जोन में चल के सेफ हो जाता है। उसके बाद तो ये बोला कि नहीं नहीं मारेंगे, ठीक है, ये बोला कि मारे। और फिर जब हम इसका हेल्प करने गए, क्योंकि नीचे कूद गया था तो मेरे थोड़ा इजी था, हम यहाँ से जब गए नीचे आराम से मारेंगे, तो बोलते हैं भाई चलो जोन में चलते हैं बाद में मारेंगे। बोले पागल वही तो बोल रहे थे। और हाँ, मैं लोग अगला वीडियो में आपको थोड़ा सा मतलब मेरा किल वगैरह कम मिला, क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ही ज़्यादा लैग मार रहा था, तो उसके लिए सॉरी। तो एलशेप में एक बंदा रहता है, ठीक है, और हम लोग सोचते हैं कि एलशेप को अगर कब्जा लेंगे तो हम लोग का सब सारा काम हो जाएगा, और हम लोग कब्जा भी लेते हैं एक्चुअली। देखो यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, रश यहाँ से पहले ये देखो ये बंदा जाता है, यहाँ से हम जाते हैं टीजी का, पहले हम 90 वो HP गिरा देते हैं यहाँ पे देखो। और मेन क्या रहता है भाई टीजी का, ये आया टीजी आया फिर चला गया। हम बोले भाई जब आ गया तो फिर गया कि हम लोग यहाँ पे रश उश मार दिए। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर वापस पीछे से आरुष आ जाता है, और फिर हम लोग यहाँ पे वो करते हैं मारते हैं। और फिर पीछे से एक और स्क्वाड आता है डुओ, जो हम लोग को पिछले वाला एलशेप पे मिला था, वो डुओ आके हम लोग को मार देता है, और यहीं पर हम लोग का पूरा स्क्वाड मर जाता है। हम बोले भाई उधर कैसे, और यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल लगा दिए थे तो इसीलिए कुछ हो नहीं सकता था। तो हम बोले भाई क्या कहते हैं, ये टीजी पीछे से चला जाता है, क्योंकि सामने वाला जो भीमा शक्ति वाला टावर है वहाँ से मार देता है। अब आरुष महोदय आते हैं तो वो बेचारा टीजी को रिवाइव देता है वॉल लगा के, ठीक है, वो वॉल लगा के टीजी को रिवाइव, बट फिर कोई भी वॉल तोड़ देता है और फिर आरुष नॉक, फिर टीजी भागते हैं तो टीजी भी नॉक, मतलब सब ऐसे ही करके मर जाते। इतना गलत वाला सीन में हम लोग फंसे। तो सॉरी अगर वीडियो जो है वो थोड़ा इधर उधर मतलब समझो कैसा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी टाइम नहीं था अपने पास, इसलिए एक दिन के अंदर हम 10 वीडियो बना रहे हैं, तो समझ सकते हो क्या मेरा हालत हुआ। तो उसके लिए सॉरी अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं मिल रहा होगा, बट सॉरी थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई लोग आज के लिए वीडियो में टाइम मिलेंगे अगर सही बढ़िया सी वीडियो में, तो के लिए बाय एंड स्टे। Credit cards and the scammers, yeah.